कि माइक्रो एसयूवी पंच आने वाले समय में भारतीय बाजार में तहलका मचाएगी, ये टाटा भी जानता है। लिहाजा वो पूरी तैयारी के साथ इसे लॉन्च करना चाहता है। तो अभी हाल ही में एक छोटा सा 8 से 10 सेकंड का जो टीजर जारी हुआ, उसमें उन्होंने सेफ्टी को लेकर के जो पंच लाइन लिखी या बोली वो ये थी कि एब्सोल्यूट सेफ्टी, मतलब ये कि सेफ्टी के मामले में ये कार किसी भी तरह से आपको निराश नहीं करेगी। और हो सकता है टाटा इस बात को लेकर के जो हमने धमाके की बात की, वो ये हो सकता है कि टाटा अपनी लॉन्चिंग से पहले ही इस कार को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट के लिए भेज दे, और लॉन्चिंग के साथ ही आपको ये भी सुनने को मिले कि इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट में जो है 5 स्टार मिल चुके हैं या 4 स्टार मिल चुके हैं। इवन क्योंकि अल्ट्रोज वाले प्लेटफॉर्म पर है और टाटा मजबूत कारें ही बनाता है, तो ज़्यादा संभावना यह है कि उससे 5 में से 5 स्टार मिल जाए। साथियों, सेफ्टी को लेकर के लोगों के मन में टाटा किसी भी प्रकार का संशय नहीं रखना चाहती है, इसलिए हो सकता है यदि लॉन्चिंग से पहले नहीं तो लॉन्चिंग के आसपास 1-2 महीने के अंदर अंदर ही इसका ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट होना आप निश्चित मानिए, और उसके साथ ही इसकी बिक्री भी बढ़ेगी ये भी मान सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि साथियों आप जानते हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट है वो भारत में सबसे ज़्यादा बिकती, लोग उसे खूब पसंद करते हैं, लेकिन पिछले दिनों उसका जो ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट हुआ उसमें उसे 0 स्टार मिले, 5 में से 0, यानी के मामले वो पूरी तरह से फेल हो गई, और टाटा ने सोशल मीडिया के थ्रू उस पर कुछ तंज भी कसे। तो आने वाले समय में टाटा पंच को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट से अच्छे स्टार जब उसे मिल जाएंगे तो स्विफ्ट के जो कस्टमर हैं उन्हें भी अपनी तरफ लुभाएंगे, क्योंकि लगभग प्राइस रेंज है वो एक समान ही है। तो आने वाले समय में हो सकता है जो लोग स्विफ्ट को पसंद कर रहे हैं वो टाटा पंच को भी पसंद करें। इसके अलावा भी टाटा बहुत बेहतरीन तैयारी कर रही है, साउथ इंडिया में एक साथ 70 नए डीलरशिप खोले हैं अलग अलग शहरों में, 50 से अधिक शहरों में। तो वहाँ अब जो है डीलरशिप की संख्या भी ज़्यादा होगी, मारुति की ज़्यादा कारें बिकने का एक कारण ये भी है कि गली मोहल्ले छोटे शहर में भी उसकी डीलरशिप है। लिया जाए टाटा अब उसे इस मामले में भी टक्कर दे रही है। तो आने वाले समय में टाटा इस बात की भी पूरी तैयारी कर रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो पंच लेना चाहता है वो महज इसलिए न ले पाए कि उसके आसपास डीलरशिप नहीं है। लिया जा डीलरशिप पंच की नहीं बल्कि दूसरी भी टाटा की जो कारें खूब बिकती है, नेक्सन आप समझ सकते हैं कि पिछले लगातार 2 महीनों से 10,000 से ज़्यादा उसके सेल्स फिगर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टाटा इस बात को समझता है और आने वाले समय में वो हुंडई को पीछे छोड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। साथियों, टाटा पंच सेफ्टी की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, लिया जा आपको ये भी बता दें कि इसमें बहुत सारे शानदार सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे, जैसे ABS, EBD, 2 एयरबैग मिलेंगे स्टैंडर्ड आपको, सीट बेल्ट वार्निंग की बात करें, हिल असिस्ट या फिर हाई स्पीड वार्निंग अलर्ट्स की बात करें, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है, पावर डोर लॉक्स है, एंटी थेफ्ट अलार्म की बात करें, ट्रैक्शन कंट्रोल या टायर प्रेशर मॉनिटर जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, और इसकी प्राइस 5 लाख के आसपास रहने की संभावना है। ये जैसे ही लॉन्च होगी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हमारे सामने आएगी वो हम आपके साथ साझा करेंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबका दिन शुभ हो, थैंक यू।